आप लोगों को ऐसे ही नहीं बुलाया गया है यहाँ पे, हम कोई कुछ कंपटीशन करके आप चले जाएंगे, इसका कोई फन नहीं है। आप लोग देखें ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह के इवेंट्स को रखने का मकसद, और इंटेलेक्चुअल्स ने इस तरह के सेटअप को इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, और हमें ग्राउंड पीस है उनको अच्छे से एग्जीक्यूट कराया जाए। सो इसके लिए बोथ द यूटिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल एंड वी द पीपल, आई मीन द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो हर कोई पार्टिसिपेट करे इसमें, इसको एक वाइब्रेंट मतलब वोट पहुंचा दोस्त को आर दी वो आर द एज ऑफ 14 टू 17 इयर्स, अक्सर स्कूल जूनियर जनता 14 से 17 साल के बीच में जो बच्चे हैं, दे आर द प्रोस्पेक्ट वोटर्स, दे आर द यंगस्टर्स एंड द फ्यूचर सर यंता वोट दी दी मानी छु छु बिना यंता दी इवेंट ऑफ द एक्टिविटी सुन गवर्नमेंट इज दी गजस। और इंपॉर्टेंट चीज में इसमें कहने जाऊंगा कि मतलब दक्षिण इसकी राइट टू वोट जरे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब राइट टू वोट दांस जो एंड आर्टिकल 326 ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट आपको है। सो यहां यदि मीनिंग आई मीन यदि आइडेंटिटी का करना हो, यदि आइडेंटिटी हो कि यहां पार्टिसिपेशन तो भी नहीं दो आज के प्रेसिडेंटी इलेक्शन में, योर वोट शुड नॉट बी फॉर द सेम स्पीच अमर सब कुछ इज दैट वी शुड वोट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आवर आपको एक इंडिपेंडेंट वोटर बन के ही आपके वोट देना है। जब तक आप इंडिपेंडेंट वोट नहीं करेंगे तो इस डेमोक्रेसी को यू नो इसका फ्यूचर जो वोट लाख है, क्योंकि आज के and I have, we don't have a second and third category, you know, so
फ्रॉम हाई स्कूल टर्म बेस इसे कॉम्पिटिशन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर कोई कॉम्पिटेंट था, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा कॉम्पिटेंट था यहाँ पे क्या। बट पहला अंगाज नो यारा अच्छी चैनल लिथुर याना बहुत बहुत शुक्रिया जरूरत। लेकिन यार अच्छा दूसरा चेयर दिया यारा एर दी रेटिंग पे अनुगे रस पासपिशन बस भी गोय ने रस फर्स्ट अवल पु रस हासिल बस यारा गच उक प्रॉड से संग गच फील छियो जरा दी पास दिया नो पासपिशन बस ने। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला गा अशोक असर फातिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल टर्म बी सी ए मजिक हो कि आज मैंने ऐसे राइटिंग को मैंने पार्टिसिपेट किया ऐसे राइटिंग में और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू आया है। और मैंने सिर्फ इस कॉम्पिटिशन को जीता नहीं है, मैंने फ्यूचर में अपने फ्यूचर को मैंने पूरा तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। और ऐसे कॉम्पिटिशन्स आगे होना चाहिए हमारी हम फ्यूचर को अच्छे बनाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके। नमस्कार, मैं चाहता हूँ 2004 की एरेस पहली बार तियान ज्वाइनिंग बस नया दू बस पहला एरेस का चीज़ या कोई कॉम्पिटिशन जरे ड्राइंग कॉम्पिटिशन जरे दुनिया पार्टिसिपेशन बस खा लेना की यार पहली बार यहाँ आदमी पार्टिसिपेशन बस ले रहे थे। पहली बार मैं एक बार बस पार्टिसिपेट ऐसे कॉम्पिटिशन में होगा और मुझे इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब होता क्या है। और आज पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम इरफान अली और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रेस्पोन के स्टूडेंट हूँ। और मैं आज यहाँ गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सांगतो में एक कंपटीशन के लिए आया था ड्राइंग कंपटीशन के लिए और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यानी तहसीलदार ऑफिस सांगू की जानिब से यहाँ पे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब एक प्रोग्राम रखा था। इसका थीम था ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो आज ये प्रोग्राम गर्ल्स हाई स्कूल सांगू में ऑर्गेनाइज हुआ बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ, अभी सक्सेसफुल हुआ। इसमें टोटल सांगू के हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी ने के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें 5 इवेंट रखे थे, अनफॉर्चुनेटली 100 मीटर रेस स्किप करना पड़ा। और ऐसे राइटिंग कंपटीशन, स्पीच एंड सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और क्विज कंपटीशन, इन चारों इवेंट में बहुत ही जोश और पलवले के साथ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे आज के जजेस थे बीडीओ बरसो, नायब तहसीलदार सांकू और रीडर टू एसडीएम सांकू। तो अभी जस्ट ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट हुआ है। इसका मेन मोटो था ये 14-17 इयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स या पर्सन से उनको अवेयर करना कि आपका कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, राइट टू वोट यानी 18 इयर्स को राइट टू वोट होता है, इसके बारे में लोग बच्चों को अवेयर करना, अपने स्कूलों में एक ऐसे मेंबरशिप इलेक्ट करना, इसके बारे में ब्रीफिंगली यहाँ इस प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज था लोगों को, बच्चों को, कि आपका क्या इस समाज में क्या रोल है, राइट टू वोट आपका किस एज में बनता है, यानी 18 इयर्स में वो लोग वोट के हकदार हो जाता है, अपना मेंबर चुनने के हकदार हो जाता है। तो इस सिलसिले में ये जो मेन मकसद था, ये मोटो था, यही था कि लोगों को अवेयर करना, 14-17 इयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करना अपने स्कूलों में ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एलेक्ट करना, मेंबर को एलेक्ट करना। इस सिलसिले में ये प्रोग्राम तहसीलदार ऑफिस सांगू ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो अभी पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है, तो बस यही मैसेज है लोगों के लिए है। और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ट्रस्टों से बिलोंग करता हूँ और मैंने आज इस सांगू में ये इलेक्शन क्विज में पार्टिसिपेट किया था। इसको ऑर्गेनाइज किया था चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और मुझे यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला और इलेक्शन क्या होता है और इसमें क्या क्या रूल होता है और इलेक्शन में किसको पार्टिसिपेट करना होता है।